मेरा नाम स्मृति राज है। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर देवराज की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पापा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरे पापा 6 महीने से डिप्रेशन में रहे। उन्होंने इतना मानसिक कष्ट सहा है बिना किसी गलती के। एक ईमानदार ऑफिसर को उसका काम नहीं करने दिया जाता हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है, वहीं की एक महिला कर्मचारी द्वारा, जिसका खुद का चरित्र नहीं है, सुमन सिंह, वीर बहादुर सिंह की डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसने मेरे पिताजी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, जिसकी वजह से मेरे पिताजी तनाव में रहे 6 महीने तक। ना खाते थे, ना सोते थे, रोते रहते थे। मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग पूरी कोशिश करते रहे कि उनको निर्दोष साबित किया जाए, और वो निर्दोष साबित हो भी गए। लेकिन इस कदर से उन्हें प्रताड़ित किया गया, मानसिक कष्ट पहुंचाया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई 26 मई को। उनके होते हुए भी हमारे घर में चोरियां होती थीं। अब वो नहीं है तब भी हमारे घर में चोरी होती है कागज़ों के लिए। पता नहीं लोग किस वजह से इस तरह से कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाम तो मैं लेना चाहूँगी कुलपति का, राजा राम यादव, जिनको सब कुछ पता होते हुए भी उन्होंने एक बार भी मेरी फैमिली का, यहाँ तक कि मेरे पापा का सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो जानते थे कि मेरे पापा निर्दोष हैं। संजीव सिंह, डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसका सबसे बड़ा हाथ है मेरे पापा को आज इस हालत में पहुंचाने के पीछे। सुमन सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, उसी ने मेरे पापा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से मेरे पापा डिप्रेशन के शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई। मैं और मेरा परिवार